हमने कहा मेक इन इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, पर नहीं हुआ। अब उसको आत्मनिर्भरता का मुलम्मा उड़ा दिया। हाँ, नोटबंदी की बात कर लेते हैं, जीएसटी की बात कर लेते हैं, और उसके बाद कोरोना संकट, मतलब आठ तिमाही से लगातार अर्थव्यवस्था की विकास दर गिर रही थी ना। हमारे मन में जो सवाल आते हैं वही सवाल पूछे जाते हैं, तो वो सवाल ना पूछे जाए तो आम आदमी ठगा सा महसूस नहीं करेगा। 1.82% है कंपेयर टू ग्लोबल एवरेज ऑफ 6.45%। आप भी जानते हैं आंकड़े बताते हैं, बहुत कम है छिपाते ज्यादा है। आज के भारत में मीडिया सरकार की तरफदारी करता है, जो अब साफ दिखने लगा है। धीरे धीरे लोगों की उम्मीद मीडिया से अब कम होती जा रही है। लोगों की उम्मीद को बरकरार रखने के लिए कुछ मीडिया एंकर्स आज भी जनता की आवाज बन रहे हैं। हम आज News24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की बात करेंगे और दिखाएंगे कि कैसे अर्थव्यवस्था, कोरोना जैसे मुद्दों पर उन्होंने सरकार के नेताओं से सवाल किए तो उन्हें क्या जवाब मिले। News24 पर GDP के नए आंकड़ों को लेकर बहस हुई। इस बहस में संदीप ने बीजेपी नेता से सवाल किए। अपने जवाब में बीजेपी नेता ने अर्थव्यवस्था के गिरने की वजह कोरोना को बताया, जिस पर संदीप ने उन्हें टोक दिया। देखिए, सिर्फ ये कह देना कि संकट काल है, एक्ट ऑफ गॉड है, बात खत्म हो जाती है क्या? आपदा के वक्त ही मौके भी मिलते हैं और तभी सरकार की लीडरशिप क्वालिटी भी दिखती है, भरोसे की कमी दिखती है, एक अनिश्चितता का माहौल है। 60 साल का समय दिया था, जो इकोनॉमी में करना था वो करके इन्हें दिखा दिया, और इकोनॉमी का बट्टा बैठाने का काम 2014 में हमने देखा था। अगर मैं उस पे जाऊंगा तो आप कहोगे इतिहास पे जा रहे हैं, जिस तरह से सारे वर्तमान में रहते हैं ना। हाँ, नोटबंदी की बात कर लेते हैं, जीएसटी की बात कर लेते हैं, और उसके बाद कोरोना संकट, मतलब आठ तिमाही से लगातार अर्थव्यवस्था की विकास दर गिर रही थी ना, ये भी एक हकीकत है, तो कोरोना की आड़ मत लीजिए हर बात में। नहीं, हम तो आड़ ही नहीं ले रहे, हम तो चीजों को, अगर आड़ लेना होता तो डेटा यहाँ पब्लिश नहीं करते। अच्छा, डेटा सामने लाए। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मतलब ये धमकी दे रहे हैं डेटा पब्लिश नहीं करेंगे, मतलब नहीं, आप डेटा पब्लिश करके एहसान कर रहे हैं। पब्लिश News24 पर बढ़ते कोरोना केसेस को लेकर डिबेट हुई। इस डिबेट में संदीप ने बीजेपी नेता से कोरोना पर सरकार की तैयारी को लेकर सवाल किए, जिस पर बीजेपी नेता ने आंकड़े देने शुरू कर दिए और संदीप ने बीजेपी नेता को असल स्थिति दिखाने को कहा। कोरोना को लेकर हम लापरवाह हो गए, सब लापरवाह हैं कि अब ठीक है, हो गया तो हो गया, देख लेंगे। इतने बड़े देश में प्रलय होने में समय नहीं लगता, मगर वो कंट्रोल हुआ है। आज रिकवरी रेट हमारे देश में 3.5% ज्यादा है, गुना ज्यादा है जो खराब हो रही है केसेस उससे। प्लस जो डेथ रेट है वो विश्व में सबसे कम है, 1.82% है कंपेयर टू ग्लोबल एवरेज ऑफ 6.45%। ऐसा मैं तो किसी भी राज्य के लिए ये नहीं कहूंगा कि कोई भी राज्य अब आंकड़े छुपा रही है, क्योंकि आंकड़े छुपाए नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान है, तो वो एग्जामिनेशन को लेकर ही, लाइफ हैज टू गो ऑन, पूरे देश में ये सारे लॉकडाउन बंद कर दो, ये मिनी लॉकडाउन के चलते ये तो तमाम रिपोर्ट्स आ गई है ना। सेकंड में एग्जाम मैं इसका नहीं, जुलाई अगस्त में जो दोबारा से विकास दर नीचे जा रही है, गच्चा खा गई हमारी इकोनॉमी, जो ग्रीन शूट दिख रहे थे, इन मिनी लॉकडाउन के चलते सब कुछ खोल दो, लाइफ हैज टू गो ऑन। News24 पर आत्मनिर्भर भारत के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में संदीप ने बीजेपी नेता को अपने देश में प्रोडक्ट ना बनाने को लेकर सवाल किए, जिस पर वह कांग्रेस पर निशाना साधने लगे, तभी संदीप ने उन्हें टोक दिया। सुधांशु त्रिवेदी, 6 साल से अपनी आपकी सरकार है, क्या अब आपको समझ में आ रहा है? 2 महीने तो आपने कर दिया। मैंने इसीलिए अमेजॉन प्राइम सेल का उदाहरण दिया, 4,500 करोड़ के मोबाइल फोन वो चीनी कंपनियों के ही थे, हमने हाथों हाथ ले लिए, सड़क पर 2 दिन हल्ला किया, चीनी भागो, और खरीद लिया हमने माल, क्योंकि और माल अवेलेबल नहीं है और यह सस्ता है। ये नागरिकों की जागरूकता का विषय, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि कोई मोबाइल सस्ता सुविधा जनक चीन का हम न खरीदें। और जब इनकी सरकार 36.38 billion dollar का ट्रेड डेफिसिट हो गया, और अब तो कितना है? 65 billion dollar। अपने बारे में बताइए ना भाई। आप मान्यवर, देखिए आप ऐसी बात कहने लगते हैं संदीप जी, आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं, ये भी एक कड़वी हकीकत है। तो दरवाजे तो हमने खोले थे ना, हम आत्मनिर्भर नहीं बन पाए, हमने कहा मेक इन इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, पर नहीं हुआ। अब उसको आत्मनिर्भरता का मुलम्मा उड़ा दिया। मान्यवर, बहुत कुछ हुआ। News24 पर चाइना के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में संदीप ने बीजेपी नेता से चाइना के मुद्दे पर सवाल किया और देश को असल स्थिति बताने को कहा, लेकिन बीजेपी नेता इसका गोलमोल जवाब देना शुरू करने लगे।
व्यक्ति से बड़ा दल दल से बड़ा देश होता है। इसमें पूरे देश को सेना जवाब दे रही है, सेना पर हमें गर्व है, गौरव है सेना की बहादुरी पर। सवाल सीधा है, अब राजनीतिक जमात हमारी सरकार सीधा जवाब देगी चीन को, बताएगी तुम दुश्मन हो, तुम अग्रेसर हो, तुम हत्यारे हो, संसद क्यों ना ये काम सबसे पहले करे 14 सितंबर को। अजय देखिए, कार्जू साहब ने ये बात भी बताई आपको। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, शाहनवाज हुसैन आप केंद्रीय मंत्री रहे हैं, जब पाकिस्तान गुस्ताखी करता है, कारगुजारी करता है, हम बातचीत बंद कर देते हैं, सब कुछ तोड़ देते हैं, डिप्लोमेटिक चैनल्स बंद कर देते हैं, चीन के साथ क्यों हम इतने पिलपिले होने लगते हैं? चीन दुश्मन है ना, ये कहना क्यों नहीं चाहिए संसद को? चौधरी जी देखिए, पार्लियामेंट में जब हम जाते हैं तो देश के कोई ऐसे इशू है जिसपे चर्चा नहीं होती, जरूर सर्वदलीय बैठक होगी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी। न्यूज 24 पर ही संसद में प्रश्नकाल ना होने पर बीजेपी नेता से सवाल किए गए। बीजेपी नेता जीरो और का जिक्र करने लगे, पर संदीप ने उनसे संसद में प्रश्नकाल ना होने को लेकर जवाब मांगे। आरोप सीधा ये लगा रहे हैं एसपी हसन जीवीएल कि सवालों के जवाब नहीं है दरअसल आपके पास, इसलिए क्वेश्चन आर नहीं चाहते हैं आप। ये बिल्कुल बेतुका आरोप है, क्योंकि लगातार हर सेशन में सैकड़ों सवालों का जवाब दिया जाता है, स्टार्ट क्वेश्चंस को हाउस में दिया जाता है और बाकी को रिटेन में दिया जाता है, इस बार भी रिटेन रिप्लाईज दिए जाएंगे, मैंने आपको एक जानकारी दी। टाइम तो नहीं, कोरोना से जुड़े सवाल हैं, अर्थव्यवस्था गोता खा रही है, आजाद भारत के इतिहास में सबसे नीचे चली गई विकास दर, चीन से टकरा रही है, सवाल है सरकार चाहेगी ये सारे जो विषय पर, कोविड पर और अर्थव्यवस्था पर, आप जो भी विषय उठाना चाहें इन पर दो दो घंटे की बहस हो सकती है। एक मिनट जीवीएल, आप संसद में हैं या एसटी हसन हैं, हमारे मन में जो सवाल आते हैं वही सवाल पूछे जाते हैं, तो वो सवाल ना पूछे जाए तो आम आदमी ठगा सा महसूस नहीं करेगा? तो अभी जो सोचा गया जिसके प्रकार, तो दोनों सदन एक साथ नहीं चल सकती है। देश में ऐसा मीडिया अभी भी है जो सरकार से खुल के सवाल कर रहा है, जो हमने आपको आज इस वीडियो के जरिए दिखाया। हम उम्मीद करेंगे कि संदीप जी इसी तरह सरकार के नुमाइंदों से सवाल करते रहेंगे और जनता की आवाज बनते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।